कट्टरपंथ की आग ने अपनी चपेट में एक ऐसे शख्स को ले लिया जो लिखता है, अपनी बातें स्वतंत्र तरीके से रखता है, जो दकियानूसी सोच पर चोट करता है। दुनिया के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उनकी हालत गंभीर है। इस्लामिक कट्टरता में जल भुन रहे कट्टरपंथी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हुआ यूं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेक्चर का कार्यक्रम था, मंच पर भारतीय मूल के बुकर पुरस्कार विजेता जाने माने लेखक सलमान रुश्दी मौजूद थे। तभी अचानक काले लिबास में शख्स मंच की तरफ बढ़ा, चेहरे पर काला मास्क था। देखते ही देखते वो रुश्दी पर चाकू से हमला कर देता है। 20 सेकंड में 10 से 15 बार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर डालता है। भारतीय मूल के लेखक रुश्दी 1980 के दशक में अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर विवादों में आए थे। इस किताब को ईरान में 1988 से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि कई मुसलमान इसे ईश निंदा मानते हैं। ऐसे ही कट्टरता की लपटों की तपिश हिंदुस्तान में हाल के दिनों में देखने को मिली। पैगंबर पर दिए विवादित बयान को लेकर नुपुर शर्मा महीनों से कई मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथ के निशाने पर है। बार बार नुपुर शर्मा को जान से मारने और सिर कलम किए जाने की धमकी दी जा रही है। एक बयान के बहाने नफरती लोगों को उकसा रहे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बयान के बहाने पाकिस्तान भारत में साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों के सहारे नुपुर शर्मा के कत्ल का प्लान रच रहा है। पाकिस्तान की साजिश का सिरा पकड़कर यूपीएटीएस ने सहारनपुर के एक संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से नदीम को नुपुर शर्मा को जान से मारने का टास्क मिला था। यूपीएटीएस का दावा है कि मोहम्मद नदीम, असल में उसको एक टारगेट भी दिया गया था, बीजेपी की भूतपूर्व नेता नुपुर शर्मा को एलिमिनेट करने का टारगेट मोहम्मद नदीम को दिया गया था। और आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के हिसाब से यूपीएटीएस ने मोहम्मद नदीम को अब एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश भी कर दिया है। और इसी के बाद अब पूरे गांव में इस वक्त एक तरह से बहुत ही अजीब तरह की शांति है। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब यहां के गांव वाले भी जानना चाहते हैं। खौफनाक बात यह है कि नदीम लंबे समय से भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों से हमले की ट्रेनिंग ले रहा था। यूपीएटीएस की पूछताछ में पता चला कि नदीम जेईएम और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। आतंकी के मोबाइल से एक पीडीएफ भी मिला है। इसका शीर्षक एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स 70 पन्नों की किताब में फिदाइन बनने का फॉर्मूला था। उसके फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जेईएम और टीटीपी के आतंकियों के साथ चैट के अलावा वॉइस मैसेज भी मिले। सैफुल्ला द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी का को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्ला ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए। नदीम अपने नापाक प्लान को अंजाम देने की फिराक में गुपचुप तरीके से काम कर रहा था। इसकी भनक उसके पड़ोसियों को भी नहीं थी। पता नहीं क्या होगा, इस तरह होगा पता नहीं, मतलब ये वो खेती बाड़ी में दिखा था जी उसे, बक्किस्ताला गम तो और पता नहीं कुछ क्या कर रहा था जी। ये तो अपने खेत तक घास ले आता था, डांगरों का घास घेरता था, अपनी दुकान में बैठ जाता थोड़ी बहुत देर, बस यही टाइम पास था इसका। और तो कोई बेचारे का कोई दूसरा तो काम था ही नहीं ना, कोई आज तक पुलिस की या चोरी की किसी की कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब। यानी इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंक का ये कॉकटेल बड़ा खतरनाक है, जिसकी टोर पाकिस्तान में। नुपुर मामले में नए खुलासे ने इसको और पुख्ता कर दिया है। सहारनपुर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।